गोड्डा नेहरू युवा केंद्र की दोहरी नीति, चेहरा देखकर किया जाता है काम, लगा दिया शहर के बड़े बड़े डांस एकेडमी ने आरोप। वहीं कार्यक्रम के दौरान जज की भूमिका निभाने वाले सदस्यों ने भी नेहरू युवा एकेडमी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, हमारे दिए निर्णयों को बदल दिया गया, हमें जज का सम्मान मिला लेकिन हमने जिसे विजेता बताया उसे सम्मानित नहीं किया गया, हमारे नतीजों को बदल दिया गया और बाद में अपने हिसाब से विजेता एकेडमी ने खुद बना दिया। जज की भूमिका निभाने वाले सदस्यों ने निराश होते हुए कहा, हमें बुलाना ही नहीं चाहिए था, अगर हमारे नतीजों पर विश्वास नहीं था, अगर जज बनाया तो सभी जज के नतीजों को मिलाकर जिसे विजेता घोषित किया गया था उन्हें ही यह सम्मान मिलना चाहिए। वहीं डॉल्फिन डांस और गुरुकुल डांस एकेडमी के छात्रों ने गांधी मैदान में आकर विरोध जताया और कहा, प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद गुरुकुल डांस एकेडमी को यह तमगा नहीं मिला। डॉल्फिन डांस एकेडमी ने भी यही आरोप लगाया कि उन्हें प्राइज मिलना था लेकिन नहीं दिया गया। डांसर समूह ने कहा, हमने इस भीषण गर्मी में खूब पसीना बहाया, मेहनत की, तब स्टेज पर परफॉर्म किया, फिर जब हम परफॉर्मेंस के आधार पर चुने गए तो हमें सम्मान नहीं मिला, ये हमारी कला का भी अपमान है। इस बारे में जब हमने नेहरू युवा केंद्र से संबंधित लोगों से बात की तो वो कन्नी काटते नजर आए, किसी ने खुलकर इस बारे में जवाब नहीं दिया। बता दें, प्रथम पुरस्कार में 5,000, द्वितीय में 2,000 और तृतीय पुरस्कार में 1,000 रुपया विजेताओं को दिया गया। युवा केंद्र ने 14 जून को यह कार्यक्रम आयोजित करवाया था, जिस कार्यक्रम के बाद जज ने कहा, भाषण प्रतियोगिता में ऐसे लोगों को स्टेज पर बुला लिया गया जिसका नाम लिस्ट में नहीं था और उनमें से ही विजेता भी चुना गया। बता दें, भाषण और डांस प्रतियोगिता का आयोजन नेहरू युवा केंद्र द्वारा कराया गया था। प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ और, जैसा कि इस बार भी हुआ, जजेस का लिस्ट हमने देखा। चलिए सुनी कहीं बातों की बात अलग होती है, जब हमने अपने आंखों से लिस्ट को देखा तो उसमें हमारे और गुरुकुल क्लास है उनके भी प्राइज का है, बट प्राइज जो मिला वहाँ पे किन्हीं और को मिला। तो अगर आपको प्रोग्राम कराना है, प्राइज अपने हिसाब से ही देना है, तो आप खुद ही उन्हें बुलाइए जिनको आपको प्राइज देना है, उन्हें ही परफॉर्म कराइए, हमें फिर क्यों बुलाते हैं, हमें क्यों इनवाइट करते हैं, हमारे बच्चे क्यों मेहनत करें, इससे तो बच्चे हमारे डिमोरलाइज होते हैं ना। अगर आप प्रोग्राम करा रहे हैं युवा के, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको मिला? नहीं नहीं, अभी किसको मिल रहा है? अभी पीएनटी को मिला है। कहाँ का है? गोड्डा। गोड्डा का? सारे बच्चे गोड्डे की हैं, बट लिस्ट जो जजमेंट का है, जजेस का लिस्ट है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग है और प्राइज जो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो अलग है। ये रिजल्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्राइज गुरुकुल डांस एकेडमी को मिला हुआ है, पर यहाँ पे फर्स्ट प्राइज पीएनडी को दे दिया गया है। यहाँ पे है फर्स्ट प्राइज 790, ठीक है। फर्स्ट कितना नंबर था? सिक्स नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुकुल डांस एकेडमी फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट में गुरुकुल डांस एकेडमी को नहीं मिला, ये पीएनडी एकेडमी को मिला। और सेकंड प्राइज है, सेकंड पीएनडी का था, फर्स्ट मिला। और थर्ड ऑल्फिन का था तो वो प्राइज किसी और को मिला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इतने मेहनत करते हैं हम लोग और प्राइज कोई और किसी और को दे देता है। क्या लग रहा है अभी आपके बच्चे मेहनत करके? मेरे बच्चे इतने मेहनत किए, दो दिन से बस इतनी गर्मी में इतने मेहनत कर रहे थे क्लास में आकर के, और ऐसा एक भी प्राइज नहीं मिला। जो हमारा प्राइज था वो भी नहीं मिला, और हम चाहते यही कि ये प्रोग्राम फिर से हो और अच्छे से हो। मेरा यही है, फिर से हो प्रोग्राम, ना तो नहीं, अगर नहीं होना है तो नहीं हो। इसके बाद जब जजमेंट को बदल दिया गया तो हमने वहाँ पर आवाज उठाया कि सर हमारा सम्मान आप नहीं दिए, जज हम लोग तीन व्यक्ति हैं तो निर्णय करने का अधिकार मेरा है। तो हमने जो निर्णय दे दिया तो आपने कटिंग क्यों किया? तो एसीटी सर जो राजा ठाकुर थे सीधे हमको स्टेज में बोल दिए कि तुम बकबक ज्यादा मत करो, भागता है एक मिनट। हम बोले सर जब हमको वजूद ही नहीं थी, हमको जब सम्मान ही नहीं देना था, हमने जिसको प्रथम किया, सेकंड किया, थर्ड किया, आप उनको जब रिजल्ट का मान ही नहीं दिया फिर हम लोग बुलाना नहीं था, खुद से आप कर लेते। इसी तरीके से डांस एकेडमी में भी वो सर है वो जज थे, इनका भी कहना है कि मेरे हम भी जज जो दिए थे उनका बिल्कुल हक है। और इधर भाषण प्रतियोगिता में क्या किया गया, जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड किया गया, लिस्ट में नाम भी नहीं है, देख लीजिएगा सर रजिस्टर में लिस्ट में नाम भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए एक से लेकर के टोटल पार्टिसिपेट मेरा 21 गो है। 21 में से फर्स्ट सेकंड जिसको करना था डायरेक्ट बुला लिया प्रोग्राम के दिन, और जबरन जबरदस्ती जा करके वहाँ पर स्टेज में उन लोगों को बुलवा दिया, और उन्हीं लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या प्राइज था? फर्स्ट 5,000 था, सेकंड 2,000 था, थर्ड 1,000 था, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड जो ऊपर से बुलाया गया था तुरंत बुलाया गया, और तुरंत उन लोगों को खाली झूठों का बुलवा दिया गया और फर्स्ट सेकंड उन लोगों को करवा दिया गया, जबकि उन लोगों को लिस्ट में नाम भी नहीं है कि लोग पार्टिसिपेट लेगा कि नहीं लेगा, जबकि ये लिस्ट दो दिन तीन दिन पहले से बनाया जा रहा था जो रजिस्टर्ड था।
जब हमने इसका विरोध किया कि लिस्ट में नाम नहीं है और आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, बोला तुम बकवास बंद करो, तुम जितना काम करना है उतना काम करो। ये एसीटी सर शुरू से ऐसे गद्दारी कर रहा है। अगला साल भी मैंने आवाज उठाया, नेहरू युवा केंद्र में इस तरह का गद्दारी कर रहा है सर, ऐसा गद्दारी नहीं चलेगा और आप जब तक ऐसा रहेंगे हमको लगता है कि गोड्डा के युवाओं को विकास नहीं होगा। ज्ञान का भंडार ज्ञान स्थली लेकर हाजिर है इंटर की शिक्षा। दसवीं के बाद लेना है मैथ्स या बायो तो ज्ञान का स्थल है यही साइंस स्ट्रीम का बेस्ट विकल्प। गोड्डा का सुपर फैसिलिटी स्कूल अब दे रहा है आईएससी की पढ़ाई का मौका, वो भी गोड्डा में। अब नहीं है जरूरत दूसरे शहर जाने की, जब आपके शहर में ज्ञान स्थली है फिर कहीं क्यों जाना। अनुभवी शिक्षक पढ़ाएंगे, विद्यालय में ही प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा, लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी, नीट और जेई दोनों निकालना होगा आसान। अब आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे भी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम है उपलब्ध बहुत कम फीस में। अब गोड्डा में नामांकन जारी है, जल्दी करें। हमारा पता है प्रताप नगर सरकंडा गोड्डा। हमारा संपर्क है 9472792572 या फिर 9472792575।